स्टडी पॉइंट दोस्तों आज हम बिहार जी का आपको एक मास्टर वीडियो देने वाले हैं दोस्तों आ, आपको इसमें बिहार जी के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हंड्रेड प्रश्न मिलने वाले हैं दोस्तों हंड्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे वीडियो वीडियो लास्ट देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है इसके बाद दोस्तों को जो बिहार जी का जो है मोस्टली पार्ट जो है कवर हो जाएगा दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो इससे पहले आप चैनल पहली बार है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर जो है आपको डेली जो है इम्पॉर्टेंड वीडियो मिलती रहती है तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो देखिए पहला प्रश्न क्या है माफिया गिरोहों को खत्म करने के लिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है देखिए सौ प्रश्न में देखना है इसलिए आप ध्यान से सभी प्रश्न को देखेंगे तो देखिए माफिया गिरोह खत्म करने के लिए बिहार में जो है ऑपरेशन कोबरा जो है शुरू किया गया सही आंसर क्या हो जाएगा बिहार में माफिया गिरोह खत्म करने के लिए ऑपरेशन कोबरा जो है यह चलाया गया है तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा दूसरा प्रश्न है ऑपरेशन उजाला किस जिले में शुरू किया गया है तो देखिए जो ऑपरेशन उजाला है यह मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया कहाँ पर मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया है बात करें मुजफ्फरपुर की तो मुजफ्फरपुर में देखिए केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान है लीची का सर्वाधिक उत्पादन जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में ही होता है तो यहाँ का जो ये है मुजफ्फरपुर याद रखना है भागलपुर की बात करें तो कि भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं भागलपुर में सिल्क का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है इसलिए भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको याद रखना है अगला प्रश्न है ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में क्यों शुरू किया गया था तो देखिए जो ऑपरेशन धनवंतरी है बिहार में बाज़ार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए शुरू किया गया था क्या है ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए शुरू किया गया था तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में ऑपरेशन धनवंतरी जो है नकली दवाओं के रोकने के लिए शुरू किया गया था अगला प्रश्न है बिहार में अपराध खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर किस जिले में शुरू किया गया था तो देखिए बिहार में अपराध खत्म करने के, करने के लिए ऑपरेशन जो ब्लैक पैंथर है यह पश्चिमी चंपारण में शुरू किया गया था कहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में ऑपरेशन ब्लैक पैंथर जो है यह शुरू किया गया था अपराध को खत्म करने के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था बिहार में ऑपरेशन चाणक्य शुरू किया गया था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट जो है इसको समाप्त करने के लिए बिहार में ऑपरेशन चाणक्य शुरू किया गया था ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार के ऑपरेशन टास्क फोर्स का क्या उद्देश्य था बिहार के ऑपरेशन टास्क फोर्स का क्या उद्देश्य था सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी नक्सली गतिविधियों का अंत करना देखिए जो बिहार में ऑपरेशन टास्क फोर्स था इसका उद्देश्य था कि जो बिहार में नक्सली गतिविधियां हैं इसको समाप्त कर दिया जाए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है अक्टूबर उन्नीस भागलपुर सांप्रदायिक संघर्षों की जाँच के लिए जाँच पैनल की जो अध्यक्षता है वह किसने की थी तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जस्टिस एन एन सिंह जो उन्नीस का भागलपुर सांप्रदायिक संघर्ष हुआ था इसके जाँच के लिए जस्टिस एन एन सिंह के अध्यक्षता में जो है पैनल स्थापित किया गया था दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा क्योंकि इस वीडियो में हमने काफ़ी मेहनत किया है क्योंकि सौ प्रश्न बनाना में काफ़ी मेहनत लगते हैं इसलिए वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिएगा अगला प्रश्न है बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ था तो बिहार में जो जहानाबाद जेल नरसंहार है यह नवंबर 2005 में हुआ था ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा नवंबर 2005 अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा संगठन वामपंथी है बिहार का कौन सा संगठन वामपंथी है करेक्ट आंसर हो जाएगा माओइस्ट कम्युनिस्ट क्लब जो है माओ माओइस्ट कम्युनिस्ट क्लब जो है यह वामपंथी संगठन है बिहार का एम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है दसवां प्रश्न बिहार में बिहार के जमींदारों ने कौन सी से प्राइवेट सेनाएं बनाई थी तो देखिए जो बिहार के जमींदार थे इन्होंने ये जो सभी दिए हुए हैं देखिए बिहार में कौन सा सही हो जाएगा कुंवर सेना महर्षि सेना और रणबीर सेना ये जो उपरोक्त सभी हैं यह बिहार में जमींदारों द्वारा बनाई गई प्राइवेट सेना थी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला कौन सा जिलों को अतिवाद के मुख्य केंद्र माना जाता है देखिए किन जिलों को अतिवाद का मुख्य केंद्र माना जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहानाबाद और भोजपुर को देखिए जो जहानाबाद और भोजपुर है इन्हें चरमपंथी हिंसा का मुख्य केंद्र माना जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है बारहवा प्रश्न है बिहार में बढ़ती चरमपंथी गतिविधियों के पीछे मुख्य कारण क्या है बिहार में जो चरमपंथी गतिविधियां बढ़ रही हैं इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी नौकरशाही में असमानता सामंती प्रभुत्व भूमिहीन लोगों की अधिकता ये जो सभी कारण हैं यह बढ़ते हुए चरमपंथी गतिविधियों का प्रमुख कारण है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार में सबसे कम साक्षरता किस धर्म के लोगों की है तो बिहार में जो सबसे कम साक्षरता है वो मुस्लिम धर्म के लोगों की है सही आंसर क्या हो जाएगा बिहार में सर्वाधिक सबसे जो कम जो है साक्षरता वो मुस्लिम धर्म के लोगों में है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता किस धर्म की है तो देखिए जो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता है वो जैन की है सबसे कम जनसंख्या जो साक्षरता है वो मुस्लिम की है तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किस धर्म में है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किस धर्म में है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में लिंगानुपात सबसे कम है यानी कि यहाँ पर प्रति एक हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है सबसे कम है किस धर्म में बौद्ध धर्म में अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस धर्म में है तो जो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात है वो ईसाई धर्म में देखिए सबसे कम जो है बौद्ध धर्म में सर्वाधिक जो है ईसाई धर्म में ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिमों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार में मुस्लिमों की जनसंख्या का प्रतिशत है वह सोलह दशमलव आठ सात है कितना है सोलह दशमलव आठ सात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दो के अनुसार जो मुस्लिमों की जनसंख्या का प्रतिशत है वो है सोलह अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है कि बिहार में हिंदुओं की कितनी जनसंख्या है बिहार में हिंदुओं की कितनी जनसंख्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा बयासी दशमलव छः नौ कितना हो जाएगा बयासी दशमलव छः नौ जो है बिहार में हिंदुओं की कुल जनसंख्या है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार में दो जनगणना से में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है देखिए परसेंटेज में बात करूँ तो देखिए बयासी दशमलव छः छः नौ था वहीं यहाँ पर पूछा गया कि जनसंख्या कितनी है संख्या में बताना देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आठ करोड़ साठ लाख अठहत्तर हज़ार छः सौ छियासी कितना है आठ करोड़ साठ लाख अठहत्तर हज़ार छः सौ छियासी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दो हज़ार ग्यारह के अनुसार जो बिहार में हिंदुओं की जनसंख्या है वह आठ करोड़ साठ लाख अठहत्तर हज़ार छः सौ छियासी है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार में सबसे कम किस धर्म के अनुयायी हैं बिहार में सबसे कम किस धर्म के अनुयायी हैं जनसंख्या में बात करें तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जैन धर्म बिहार में सबसे कम है जैन धर्म के अनुयायी ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है इक्कीसवां प्रश्न बिहार में आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण किसने स्थापित किया है बिहार में आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण किसने स्थापित किया है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार सरकार देखिए जो बिहार में आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण है यह बिहार गवर्नमेंट द्वारा जो है स्थापित किया गया है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि जो नेशनल वाटर होता है कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार में स्टीमर द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है तो देखिए कौन सा जलमार्ग स्टीमर द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना से मीनापुर देखिए जो पटना से मीनापुर तक का वाटर वे यानी कि जलमार्ग है यह बिहार में प्रयोग में नहीं लाया जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है यानी कौन सा नेशनल वाटर वे जो है वह बिहार से गुजरता है सही उत्तर क्या हो जाएगा एन डब्ल्यू वन नेशनल वाटर वे वन जो है यह बिहार से गुजरता है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा देखिए सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगला प्रश्न है बिहार में किस जगह पर फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब है बिहार में किस स्थान पर फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पटना देखिए पटना में जो है फ्लाइंग और ग्लाइडिंग दोनों क्लब है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है गया हवाई अड्डे को इंटरनेशनल स्टेटस कब मिला देखिए जो गवा गया में हवाई अड्डा है इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा कब मिला सन 2002 में मिला ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा जो गया हवाई अड्डा है इसे 2002 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो स्टेटस है दर्जा प्रदान किया गया था अगला प्रश्न है बिहार से नेपाल जाने के लिए सर्वाधिक किस हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाता है तो देखिए बिहार से नेपाल जाने के लिए सर्वाधिक जो जिस हवाई अड्डे का प्रयोग किया जाता है वो है रक्सौल हवाई अड्डा सही आंसर क्या हो जाएगा बिहार से नेपाल जाने के लिए रक्सौल हवाई अड्डे का सर्वाधिक जो है प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार के किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है तो देखिए बताना है कि किस स्थान पर बिहार में हवाई अड्डा नहीं देखिए मुजफ्फरपुर में रक्सौल में और पटना में हवाई अड्डा है लेकिन मुंगेर में जो है हवाई अड्डा नहीं है सही आंसर क्या हो जाएगा बिहार के जो मुंगेर है यहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार में कुल कितने हवाई अड्डे हैं बिहार में कुल कितने हवाई अड्डे हैं तो देखिए वर्तमान में जो बिहार में है कुल हवाई अड्डों की संख्या है आठ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बिहार में हवाई अड्डों की संख्या है आठ अगला प्रश्न है अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ पर स्थित है तो देखिए अब्दुल बारी जो पुल है वह बिहार में कहाँ पर है सोनपुर में स्थित है यह जो कि सोन नदी पर बना हुआ है देखिए जो अब्दुल बारी थे यह एक बिहार के स्वतंत्रता सेनानी ना, से थे और इनके सम्मान में जो है पुल का नाम अब्दुल बारी पुल रखा गया है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार में कौन सी ट्रेन नहीं चलती है देखिए निम्न ऑप्शन में से कौन सी ट्रेन जो है बिहार में नहीं चलती है देखिए विक्रमशिला एक्सप्रेस चलती है राजधानी एक्सप्रेस चलती है उत्तरी बिहार एक्सप्रेस चलती है लेकिन जो कलिंग एक्सप्रेस है देखिए जो कलिंग एक्सप्रेस है यह बिहार में नहीं चलती है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कलिंग एक्सप्रेस जो है बिहार में नहीं बल्कि उड़ीसा में चलती है अगला प्रश्न है बिहार में जन शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुई जो बिहार राज्य है यहाँ पर जन शताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू हुई तो सही क्या उत्तर क्या हो जाएगा देखिए सही उत्तर हो जाएगा दो, दो, दो में जो जन शताब्दी एक्सप्रेस है यह बिहार में दो, दो में चलना शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन बिहार से जाती है तो बताना है निम्नलिखित में से जो कौन सी ट्रेनें बिहार में जाती बिहार से जाती है पहला है इस्पात एक्सप्रेस साबरमती एक्सप्रेस गीतांजलि एक्सप्रेस देखिए ये तीनों जो ट्रेन है ये बिहार से होकर जाती हैं तो ऑप्शन नंबर जो डी है उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा देखिए बिहार से तीनों ट्रेन जाती हैं इस्पात एक्सप्रेस साबरमती एक्सप्रेस और गीतांजलि एक्सप्रेस अगला प्रश्न है बिहार से किस क्षेत्र की ट्रेन नहीं गुजरती है बिहार से किस क्षेत्र की ट्रेन नहीं गुजरती बताना देखिए जो पश्चिमी रेलवे है बिहार से पश्चिमी रेलवे की ट्रेन नहीं गुजरती है सही आंसर क्या हो जाएगा बिहार से पश्चिमी रेलवे की ट्रेन नहीं गुजरती है इसके अलावा उत्तर पूर्व रेलवे दक्षिण पूर्व रेलवे और उत्तर पूर्व देखिए इन सब की ट्रेन गुजरती है पश्चिमी रेलवे की ट्रेन बिहार से नहीं गुजरती है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है तो देखिए आपको ये ज़रूर पता होगा जो पूर्वी मध्य रेलवे है इसका मुख्यालय हाजीपुर में है कहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में स्थित है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है पैंतीसवाँ प्रश्न है अन्य राज्यों की तुलना में रेल परिवहन के संबंध में बिहार किस स्थिति में है तो देखिए अन्य राज्यों की तुलना में जो बिहार रेल परिवहन के संबंध में जो है इसका जो स्थान है वो पाँचवा है सही आंसर क्या हो जाएगा रेल परिवहन के संबंध में बिहार का देश में पाँचवा स्थान है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है छत्तीसवाँ प्रश्न बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है बिहार में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाँच हज़ार एक सौ अठासी किलोमीटर देखिए जो बिहार में रेल मार्ग कुल लंबाई है वो है पाँच हज़ार एक सौ अट्ठासी किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार में रेल यातायात कब शुरू हुआ तो देखिए जो बिहार में रेल यातायात है वो अठारह सौ साठ से बासठ के बीच में शुरू हुआ सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अठारह सौ साठ से बासठ के बीच में अगर हम भारत की बात करें तो देखिए भारत में जो है अठारह सौ तिरपन में मुंबई के थाने में जो है पहली बार जो है मेट्रो ट्रेन चलाया गया था अठारह सौ में भारत में पहली बार ट्रेन चलाया गया था मुंबई से था तक अगला प्रश्न है प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक सड़कों का नियंत्रण किसके पास है बिहार में जो सर्वाधिक सड़कों का नियंत्रण है वह किसके पास है सही उत्तर हो जाएगा जिला परिषद के पास देखिए जो बिहार में सर्वाधिक सड़कों का नियंत्रण है वह जिला परिषद के पास है नियंत्रण में है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है उनतालीसवा प्रश्न बिहार में वाराणसी से ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से शुरू होता है देखिए जो वाराणसी से होते हुए ग्रांड ट्रंक रोड आती है वो बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है सही उत्तर हो जाएगा मोहनिया से देखिए जो मोहनिया है यह यहाँ से जो है बिहार में ग्रांड ट्रंक रोड प्रवेश करती है और यह दिल्ली से देखिए जो हमारा ग्रांड ट्रंक रोड है उसे जी एन एस के नाम से जानते हैं और यह दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जाती है कहाँ से कहाँ तक दिल्ली से कोलकाता तक बिहार होते हुए जो है जाती है और यह जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसका निर्माण शेरशाह सूर्य द्वारा करवाया गया था तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारे नेशनल हाईवे होते हैं तो बिहार में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दो किलोमीटर यानी कि बिहार में जो नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग है इनकी कुल लंबाई है इक्कीस सौ किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं जाता है देखिए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं जाता है सही उत्तर हो जाएगा एन एच फिफ्टीन देखिए जो एन एच फिफ्टीन है यह बिहार से होकर नहीं जाता है इसके अलावा एन एच तीस एन एच इक्यासी और एन एच पचासी जो है बिहार से होकर ही गुजरते हैं ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा एन एच पंद्रह बिहार से नहीं गुजरता है अगला प्रश्न है बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है तो देखिए बिहार में सर्वाधिक लंबाई किस राजमार्ग की है सही उत्तर क्या हो जाएगा एन एस थर्टी वन देखिए जो बिहार में सर्वाधिक लंबाई वाला राजमार्ग है नेशनल हाईवे है वो है एन एस थर्टी वन ऑप्शन नंबर जो सी इस प्रश्न का है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तिरानीसवा प्रश्न हमारा है बिहार से कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है बिहार से कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा एन एस टू देखिए एन एस टू कोई ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है और यह बिहार से होकर ही जाता है और जो हमारा एन है यह दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जाता है अगला प्रश्न है बिहार में गांधी सेतु कहाँ पर स्थित है बिहार में जो गांधी सेतु है यह कहाँ पर स्थित है सही उत्तर हो जाएगा पटना देखिए जो गांधी सेतु है यह पटना में स्थित है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गांधी सेतु कहाँ स्थित है देखिए जो गांधी सेतु है यह पटना से हाजीपुर जाती है कितना पटना से हाजीपुर जाती है जो जिसकी कुल लंबाई कितनी है देखिए पाँच हज़ार सात सौ पचास मीटर लंबाई है देखिए जो गांधी सेतु है इसकी कुल लंबाई कितनी है पाँच हज़ार सात सौ पचास मीटर और यह उन्नीस सौ बयासी में बनाया गया।, तो गया था कब बनाया गया था उन्नीस सौ बयासी में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो है महात्मा गांधी सेतु का जो है उद्घाटन किया गया था अगला प्रश्न है बिहार के सड़कों की लंबाई कितनी है बिहार में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छिहत्तर हज़ार एक सौ सरसठ किलोमीटर देखिए जो बिहार में कुल सड़कों की लंबाई है वो छिहत्तर हज़ार एक सौ सरसठ किलोमीटर है तो इसका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है अगला प्रश्न है बिहार का प्रसिद्ध बांध निम्नलिखित में से कौन सा है छियालीसवां प्रश्न हमारा है तो देखिए जो बटुआ बांध है बिहार में प्रसिद्ध बांध कौन सा है बटुआ बांध सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए बटुआ बांध जो बिहार का एक प्रसिद्ध बांध है इसके अलावा अगर हम टिहरी बांध की बात करें देखिए टिहरी बांध उत्तराखंड में है गांधी सागर बांध की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के मंदसौर में है और भाखड़ा नंगल की बात करें तो देखिए ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है तो तीनों के बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है अगला प्रश्न है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा गोखुर झील का भाग है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह गोखुर झील का भाग है तो देखिए पहला दिया कि सिमरी जंगल जोगपत्ती सोनवर्षा जंगल हर सिद्धि तीसरा है पिपरामन पिपरा तो देखिए जो ये तीनों ऑप्शन दिए हैं ये सभी जो हैं गोखुर झील के ही भाग हैं सिमरी जंगल सोनवर्सा जंगल और पिपरामन ये सभी जो है गोखुर झील के भाग हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार में झील और जिले का कौन सा मिलान गलत है बिहार में झील और ज़िले का कौन सा मिलान गलत है तो देखिए जो कंवर झील बेगूसराय है बिल्कुल सही है सराबंद झील बेतिया में सही है और मोती झील मोतिहारी में सही है लेकिन जो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है पिपरा मन जो है यह परसा में नहीं है देखिए जो पिपरा मन है यह कहाँ पर है परसा में नहीं है बल्कि जो गोखुर जो पिपरा मन है ये गोखुर झील का ही एक भाग है सही आंसर क्या हो जाएगा यह गोखुर झील का ही एक भाग है तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है यह सही सम्मिलित नहीं है अगला प्रश्न है जिला और वहाँ के प्रसिद्ध खाने में कौन सा मिलान गलत है तो देखिए एक तरफ जिला है एक तरफ खाने के प्रसिद्ध सामान है इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन मिलान गलत है देखिए सुरकी धान चिवड़ा जो है भागलपुर का है बिल्कुल सही है सोहन पपड़ी बक्सर का है बिल्कुल सही है और जो खुरमा है उद उदवंत नगर का है बिल्कुल सही है लेकिन जो बिहिया की पूड़ी है देखिए जो बिहिया की पूड़ी है यह मुजफ्फरपुर का नहीं है जो बिहिया की पूड़ी है यह भोजपुर का प्रसिद्ध खाना है कहाँ का है भोजपुर का तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है इसका मेल सही नहीं है बिहिया की पूड़ी जो है मुजफ्फरपुर का नहीं बल्कि भोजपुर का प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है अगला प्रश्न है बिहार में लीची उत्पादन में सर्वप्रथम किस जिले का स्थान है तो देखिए मैंने कई बार आपको बताया है बिहार में जो लीची उत्पादन का पहला स्थान है वो है मुजफ्फरपुर का और इसीलिए मुजफ्फरपुर में केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना की गई कहाँ पर बिहार के मुजफ्फरपुर में केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान है और यहीं पर जो है लीची का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है अगला प्रश्न है बिहार में फल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बिहार में फल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सबौर देखिए जो सबौर है सबौर तो में ही फल विकास और अनुसंधान संस्थान है सही उत्तर क्या हो जाएगा सबौर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार में चावल विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो जो बिहार में चावल विकास और अनुसंधान अनुसंधान संस्थान है वह आरा में स्थित है कहाँ पर स्थित है आरा भोजपुर भोजपुर के आरा नामक स्थान पर जो है चावल विकास और अनुसंधान संस्थान स्थित है अगर हम बात करें केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है वो है कटक में देखिए जो चावल अनुसंधान संस्थान केंद्रीय है वो है उड़ीसा के कटक में तो ये भी याद रखना है अगला प्रश्न है बिहार में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएँ हैं बिहार में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएँ हैं सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक हज़ार चार सौ छियासी देखिए जो बिहार में कुल ग्रामीण बैंकों की शाखाएँ हैं उनकी संख्या है एक हज़ार चार सौ छियासी ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार में विभाजन के बाद कितने ग्रामीण बैंक हैं तो देखिए बिहार का विभाजन कब हुआ था देखिए 2000 में बिहार का विभाजन हुआ था और झारखंड अलग हो गया था तो विभाजन भिभा, के बाद जो बिहार में ग्रामीण बैंकों की संख्या बची है वो बची है 16 सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार में विभाजन के बाद ग्रामीण बैंकों की संख्या है 16 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार में बैंकों का क्रेडिट अनुपात क्या है तो देखिए जो बिहार में बैंकों का क्रेडिट अनुपात है वो सत्तर तीस है क्या है ऑप्शन नंबर बी सत्तर तीस बिहार में बैंकों का क्रेडिट अनुपात है अगला प्रश्न छप्पनवा प्रश्न है बिहार में मुख्य औद्योगिक वित्तीय संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा है तो आपको बताना है कि बिहार में मुख्य औद्योगिक वित्तीय संस्थान निम्नलिखित तो में से कौन सा है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य वित्तीय निगम देखिए जो बिहार राज्य वित्तीय निगम है या बिहार का मुख्य औद्योगिक वित्तीय संस्थान है सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगला प्रश्न है बिहार राज्य वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी बिहार राज्य वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी सही उत्तर हो जाएगा 1954 यानी कि उन्नीस में बिहार राज्य वित्तीय निगम की स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं यानी कि बिहार में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा देखिए बिहार में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक की सर्वाधिक शाखाएँ हैं और स्टेट बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी एक जुलाई उन्नीस सौ पचपन एक जुलाई उन्नीस सौ पचपन को स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी इसलिए एक जुलाई को प्रत्येक वर्ष जो है भारतीय स्टेट बैंक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है अगला प्रश्न है बिहार में किस बैंक की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी बिहार में किस बैंक की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक बिहार में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा साठवां प्रश्न है बिहार किस धर्म का तीर्थ है देखिए बिहार जैन बौद्ध सिख तीनों जो धर्मों का तीर्थ स्थल है बिहार जैन बौद्ध और सिख तीनों बौद्ध धर्मों का तीर्थ स्थल है ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था देखिए रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था सही उत्तर हो जाएगा सिमरिया देखिए मुंगेर के सिमरिया नामक स्थान पर जो है रामधारी सिंह दिनकर का जो है जन्म हुआ था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए देखिए हम दिनकर की अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो देखिए कुरुक्षेत्र हुंकार उर्वशी रश्मि रथी जो है परशुराम की प्रतीक्षा है जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इन्हें उन्नीस में साहित्य अकादमी उन्नीस में पद्म भूषण और उन्नीस में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस शासक में ने देश की मुद्रा के रूप में सिक्के का प्रचलन कराया तो देखिए जो देश की मुद्रा में सिक्के का प्रचलन कराने का श्रेय है वह शेरशाह सूरी को प्रदान किया जाता है सही आंसर क्या हो जाएगा शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रगामी कहा जाता है इसका मकबरा सासाराम में है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था सही उत्तर हो जाएगा चार सौ तिहत्तर ईसापुर में देखिए आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था चार सौ तिहत्तर ईस्वी में हुआ था कब हुआ था चार सौ तिहत्तर ईस्वी में हुआ था इन्होंने दशमलव प्रणाली की खोज की थी इनका जन्म बिहार के कुसुमपुर में हुआ था जो कि वर्तमान पटना के अंतर्गत ही आता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा चार सौ तिहत्तर ईस्वी में इनका जन्म हुआ था अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं बिहार के किस जिले से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली से देखिए बिहार के वैशाली से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी सही उत्तर हो जाएगा सात सौ सत्तर ईस्वी में देखिए जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना सात सौ सत्तर ईस्वी में हुई थी ऑप्शन नंबर बी सही है अगला प्रश्न है बिहार का ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था बिहार का उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था सही आंसर हो जाएगा तंत्र विद्या के लिए जो बिहार का उदंतपुरी विश्वविद्यालय था यह तंत्र के लिए प्रसिद्ध था ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न है सड़सठवा प्रश्न बिहार के निवासियों को वृत्त किसमें कहा गया है बिहार के निवासियों को वृत्त किस में कहा गया है सही आंसर हो जाएगा पंचविश ब्राह्मण में कहाँ पर कहा गया है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा पंचविश ब्राह्मण में बिहार के निवासियों को वृत्त के नाम से संबोधित किया गया है अगला प्रश्न है अड़सठवां प्रश्न बोध गया में बुद्ध मंदिर किसने बनवाया था बुद्ध बोध गया में जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहाँ पर बुद्ध मंदिर किसने बनवाया था सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने देखिए समुद्रगुप्त ने बिहार बौद्ध गया में बुद्ध मंदिर बनवाया था यह गुप्त वंश के शासक थे और समुद्रगुप्त को ही जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और कुमारगुप्त गुप्त प्रथम ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इंपॉर्टेंट प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ से श्रीगुप्त ने जो है गुप्त वंश की स्थापना की थी किसने श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जून 1975 में कहाँ से गिरफ्तार हुए तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो है जून 1975 में कहाँ से गिरफ्तार हुए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली जयप्रकाश नारायण जून 1975 में जो है नई दिल्ली से गिरफ्तार किए गए थे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने छात्र युवा संघ वाहिनी नामक गैर राजनीतिक संगठन का गठन कब किया तो देखिए संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो है छात्र युवा संघ वाहिनी नामक जो गैर राजनीतिक संगठन है इसका जो गठन है वह एक जनवरी उन्नीस में किया गया था कब एक जनवरी उन्नीस सौ पचहत्तर को किया था ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान है वह पाँच जून उन्नीस को किया था कब किया था ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा पाँच जून उन्नीस को इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अगला प्रश्न है जयप्रकाश आंदोलन के दौरान सरकार के दमनकारी उपायों के विरोध में किस साहित्यकार ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया था तो देखिए जयप्रकाश आंदोलन के दौरान जो सरकार की दमनकारी नीति थी उसके विरोध में जिसने जो है पद्मश्री वापस किया था उनका नाम हो जाएगा फटेश्वरनाथ रेडू सही आंसर क्या आ जाएगा फटेश्वरनाथ रेडू ने जो है अपना पद्मश्री वापस कर दिया था और इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है मैला आंचल अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण को अप्रैल उन्नीस में पटना में क्या उपाधि दी गई तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को पटना में उन्नीस में जो है लोकनायक की उपाधि दी गई किस नाम से जाना जाता है इन्हें लोकनायक की उपाधि इन्हें पटना में अप्रैल उन्नीस में प्रदान की गई अगला प्रश्न है मार्च उन्नीस में बिहार के किस अखबार के कार्यालय में आग लगी थी मार्च उन्नीस में बिहार के किस अखबार में आग लगी थी तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्च लाइट या प्रदीप जो अखबार था इसके कार्यालय में आग लगी थी ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है जयप्रकाश आंदोलन कब शुरू हुआ था जयप्रकाश आंदोलन कब शुरू हुआ था सही आंसर हो जाएगा 1974 सेवेंटी फोर उन्नीस सौ चौहत्तर में जो है जयप्रकाश आंदोलन शुरू हुआ था अगला प्रश्न है लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था तो देखिए जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म है वह छपरा में हुआ था सही आंसर क्या हो जाएगा छपरा में देखिए ये पहली बार उन्नीस के भारत छोड़ो आंदोलन चर्चा में है इसके बाद इन्होंने जो है सर्वोदय आंदोलन अंदुर... सर्वोदय आंदोलन के लिए जो है सर्वोदय योजना के लिए इन्हें जाना जाता है कि इन्हें जयप्रकाश नारायण को सर्वोदय योजना के लिए भी जाना जाता है इंपॉर्टेंट है याद रखना है आपको अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारण में देखिए बिहार के सारण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था देखिए जब नौ दिसंबर उन्नीस सौ जो है सैतालीस को संविधान सभा का गठन किया गया तो देखिए पहले जो है अध्यक्ष कौन बने थे देखिए 9 अगस्त 1948 को संविधान सभा गठन किया गया और पहले जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा उसके बाद ग्यारह दिसंबर को जो है इन्हें सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और स्वतंत्रता के बाद ये देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता के बाद देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे इंपॉर्टेंट प्रश्न है याद रखना है अगला प्रश्न है किस महान स्वतंत्रता सेनानी की याद में आरा जिले में सोन नदी पर कोलाइवर पुल का नाम बदलकर अब्दुल बारी पुल रखा गया है तो किस महान स्वतंत्रता सेनानी की याद में आरा जिले में जो सोन नदी पर कोलाइवर पुल था इसका नाम अब्दुल बारी पुल रखा गया है करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल बारी के याद में ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार सरकार हर हर साल तेईस अप्रैल को विजय दिवस के रूप में के शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है तो देखिए जो बिहार सरकार है प्रत्येक वर्ष तेईस अप्रैल को जो है विजय दिवस के रूप में मनाती है क्यों मनाती है क्योंकि इसी दिन जो है कुंवर सिंह जो कुंवर सिंह थे इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो है मनाया जाता है कुंवर सिंह कौन है देखिए जगदीशपुर से इन्होंने अठारह का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका नेतृत्व तो इन्होंने जो है जगदीशपुर से किया था बिहार के जगदीशपुर से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है अठारह में बिहार किसान सभा की स्थापना किसने की थी तो देखिए अठारह में जो बिहार किसान सभा है इसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी किसने की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ है देखिए चार नाम है किसका किसका जन्म, तो जन्म बिहार में नहीं हुआ है बताना है आपको तो देखिए ऑप्शन नंबर डी वी पी सिंह यानी कि जो विश्वनाथ प्रसाद सिंह है इनका जन्म बिहार में नहीं हुआ बल्कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था वीपी सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था बाकी जगजीवन राम जयप्रकाश नारायण और आर्यभट्ट का जन्म बिहार में ही हुआ था अगला प्रश्न है जगजीवन राम का जन्म बिहार में कहाँ हुआ देखिए जगजीवन राम जो कि देश के उप प्रधानमंत्री भी बने थे इनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोजपुर के चंद्रमा नामक स्थान पर भोजपुर के चंद्रमा नामक स्थान पर जो है जगजीवन राम का जन्म हुआ था अगला प्रश्न है बिहार के किस नेता को जेपी कहा जाता है देखिए बिहार के किस नेता को जेपी कहा जाता है आप सभी को पता है जेपी के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है देखिए इनका उपनाम क्या है लोकनायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से जाना जाता है देखिए इनके बारे में आपको काफ़ी चीज़ पता है लेकिन इनके बारे में एक चीज़ याद रखना है कि जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर एक संग्रहालय की स्थापना हाल ही में की गई है वो कहाँ पर की गई है देखिए लखनऊ में जो है हाल ही में जयप्रकाश नारायण संग्रहालय की स्थापना की गई है तो ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए और ये आपको याद भी रखना है और मैंने अभी आपको बताया जयप्रकाश नारायण जो है वह सर्वोदय आंदोलन के कारण ही जो है चर्चा में थे तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो सर्वोदय आंदोलन है इसके प्रवर्तक कौन थे तो जयप्रकाश नारायण इनका नाम आपको इम्पोर्टेंट रूप से याद रखना है अगला प्रश्न है जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री कब बने जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री कब बने सही उत्तर हो जाएगा 1977 में देखिए 1977 में जो है जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने जो है कार्यभार संभाला था कब 1977 में अगला प्रश्न है जगजीवन राम को किस उपनाम से जाना जाता है जगजीवन राम को किस नाम से जाना जाता है सही उत्तर क्या हो जाएगा देखिए इन्हें बाबू के नाम से जाना जाता है बाबू जगजीवन राम के नाम से इन्हें जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक बिहार के राज्यपाल रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक बिहार के राज्यपाल रहे देखिए सही उत्तर हो जाएगा छः जुलाई उन्नीस से लेकर ग्यारह मई उन्नीस तक देखिए छः जुलाई उन्नीस से लेकर ग्यारह मई उन्नीस तक बिहार के राज्यपाल रहे और यह बाद में भारत के जो है राष्ट्रपति के तौर पर भी इन्होंने जो है पदभार संभाला था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने तो इनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जाकिर हुसैन अगला प्रश्न है 2001 से 2002 में किस राजनीतिक नेता की जयंती मनाई गई देखिए 2001-2002 में किस राजनीतिक नेता की जयंती मनाई गई सही आंसर हो जाएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण देखिए दो हज़ार में जयप्रकाश नारायण की जो है जयंती बिहार में मनाई गई थी ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वहीं अगर हम श्री कृष्ण सिंह की बात करें तो ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे इनका भी नाम इम्पॉर्टेंट है अगला प्रश्न है बिहार में बड़ा भूकंप कब आया जिसमें जनधन की अपार हानि हुई देखिए बिहार में बड़ा भूकंप कब आया जिसमें अपार जनधन की हानि हुई सही आंसर हो जाएगा उन्नीस में उन्नीस में बिहार में जो है भीषण भूकंप आया था जिसमें अपार जनधन की हानि हुई थी देखिए बिहार का जो हमारा उत्तरी हिस्सा है जो नेपाल का जो नेपाल का स्पर्श करने वाला जो हिस्सा है वह भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आता है देखिए भारत में जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है चार जोन बांटा गया देखिए इंडिया में चार भूकंप के जोन जोन बनाए गए हैं पहले पाँच थे लेकिन अब उनकी संख्या चार कर दी गई है देखिए पहला जोन का नाम क्या है पहला जोन है दो दूसरा है तीन तीसरा है चार और चौथा है पाँच देखिए पहले पाँच थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और पाँच तो देखिए जो पहला है उसको अब समाप्त कर दिया गया है तो पाँच जोन बचे हैं वन टू थ्री फोर तो देखिये जो हमारा भूकंप जोन फाइव के अंतर्गत आता है तो हमारा जो बिहार का उत्तरी हिस्सा है वह भूकंप जोन पाँच के अंतर्गत आता है जो कि अति संवेदनशील होता है तो इसीलिए जो है बिहार में भूकंप आई थी और यहाँ पर जो है अपार जनधन की क्षति भी हुई थी अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बी मोबाइल फोन सेवाओं का लाभ उठाया था तो देखिए बी निम्नलिखित में से जो बिहार राज्य है इसने बी एस एन ए लेने की जो भारत संचार निगम लिमिटेड है इसका जो है फोन सेवाओं का लाभ उठाया था ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा अगला प्रश्न है भागलपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज कौन सा है जो भागलपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज है वो कौन सा है नाम क्या है सही आंसर हो जाएगा अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज देखिए जो भागलपुर है यहाँ पर अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज जो है यह स्थित है इसके अलावा भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर सिल्क का जो कार्य है काफ़ी यहाँ पर प्रसिद्ध है अगला प्रश्न है बिहार में पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज कहाँ प्रस्थित है बिहार में पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज कहाँ प्रस्थित है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजधानी पटना में देखिए जो पटना है यहाँ यही पर यहीं पर पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन कॉलेज स्थित है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा पटना अगला प्रश्न है बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है बिहार में डॉक्टर राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर स्थित है सही आंसर हो जाएगा पटना के अगम कुआँ में कहाँ पर पटना के अगम कुआँ नामक स्थान पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला प्रश्न है पटना में निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान नहीं है देखिए चार ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान जो है पटना में नहीं है तो सही आंसर क्या हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी चावल विकास और अनुसंधान संस्थान जो है यह पटना में नहीं है बल्कि यह कहाँ पर है बल्कि यह भोजपुर के आरा में स्थित है बाकी बिहार अनुसंधान संस्थान डॉक्टर ए एन सिन्हा अनुसंधान संस्थान और ये जो है बिहार में है पटना में है ऑप्शन नंबर जो बी है वो पटना में नहीं है अगला प्रश्न है राबड़ी देवी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बनी थी राबड़ी देवी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बनी थी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 जुलाई उन्नीस सौ सत्ता में यह बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी और यह बिहार की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला बनी थी ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे बिहार के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर गणेश दत्त सर गणेश दत्त जो थे बिहार के पहले शिक्षा मंत्री थे ऑप्शन नंबर जो सी है सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को अजात शत्रु कहा जाता है तो बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को अजाज शत्रु कहा जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखिए यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे और चंपारण सत्याग्रह में भी यह स्थानीय नेता के तौर पर वहाँ थे और इन्हें जो है बिहार में अजात शत्रु कहा जाता है जिसका जिसका शत्रु पद पैदा न हुआ हो उसे अजाजत शत्रु कहते हैं ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार के किस नेता को संविधान सभा के अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया था देखिए जो संविधान सभा का अंतरिम राष्ट्रपति है वो किसे बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अंतरिम राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा नेता मंडल आयोग का अध्यक्ष था बिहार का कौन सा नेता मंडल आयोग का अध्यक्ष था सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल देखिए जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे यह मंडल आयोग के अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर जो बी है सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है महिला खेल महोत्सव का आयोजन बिहार में किसके द्वारा किया जाता है महिला खेल महोत्सव का आयोजन बिहार में किसके द्वारा किया जाता है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण देखिए बिहार में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा महिला खेल महोत्सव का जो आयो। है आयोजन किया जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और देखिए हमारा अंतिम प्रश्न है सवा प्रश्न बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के माध्यम से ब्लॉक से राज्य स्तर तक कौन सी खेल प्रतियोगिता जो है आयोजित की जाती है तो देखिए स्टेट अथॉरिटी के माध्यम से जो है ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक जो है खेल प्रतियोगिता जो आयोजित की जाती है वो हमारी हो जाएगी उपरोक्त सभी देखिए ध्यानचंद हॉकी प्रतियोगिता विद्यालय खेल प्रतियोगिता और सुबर कप ये जो तीनों हैं यह ब्लॉक से लेकर जे राज्य स्तर तक खेले जाने वाले बिहार में प्रतियोगिताएँ हैं ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा तो देखिए इस वीडियो में आपको बिहार जगह के मोस्ट इंपॉर्टेंट सौ प्रश्न मिले जो कि एक मास्टर वीडियो आपके लिए है दोस्तों मास्टर वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है इसलिए आप वीडियो को दोस्तों जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जो भी पहले चैनल पर आए हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो इसका अगला पार्ट भी आपको जल्द मिलेगा जिसमें आपको सौ प्रश्न और दिए जाएंगे जिससे दोस्तों जो है आपका बिहार जी काफ़ी मजबूत हो जाएगा दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिएगा वीडियो कैसा लगा मैं जरूर बताइएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद